साउथ और बॉलीवुड फिल्मों में काम करने वाले सोनू सूद एक जाना माना नाम है। सोनू ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआती दिनों में सपोर्टिंग रोल किए थे। सोनू फिल्मों में हीरो बनने आए थे, लेकिन बॉलीवुड में वो नाम और शोहरत नहीं मिल पा रही थी जिनकी उन्हें तलाश थी। बॉलीवुड के साथ साथ उन्होंने टॉलीवुड फिल्मों में भी काम करना शुरू कर दिया। टॉलीवुड फिल्मों में सोनू ने जब से विलेन का रोल करना शुरू किया है, तभी से उनके करियर का चक्का चल पड़ा। साउथ और बॉलीवुड की लड़ाई के बीच लोग अक्सर साउथ फिल्मों को ही सपोर्ट करते हैं। लॉकडाउन में सोनू की दरियादिली ने सबका दिल जीत लिया था, तभी से वह जनता का हीरो बन गए थे। बॉलीवुड से ज्यादा सोनू सूद साउथ की फिल्मों में विलन का रोल करते नजर आते हैं। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि वे बॉलीवुड फिल्मों में नजर क्यों नहीं आते, तो इसके जवाब में सोनू ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से एक बार फिर साउथ और बॉलीवुड की लड़ाई को हवा मिल सकती है। सोनू ने बात करते हुए कहा, चाहे मैं तमिल, तेलुगु या हिंदी फिल्में करूँ, मैं हमेशा अपनी स्क्रिप्ट को लेकर चूजी रहता हूँ। साउथ मुझे खराब हिंदी फिल्में करने से बचाता है, वरना एक दौर ऐसा भी आता है जब आपको लगता है कि आप सिर्फ एक बड़ी फिल्म में देखने के लिए फिल्म कर रहे हैं। साउथ मुझे ऐसा करने से दूर रहने में मदद करता है। सोनू ने यह भी कहा कि वह 100-200 करोड़ कमाने वाली फिल्म को सफल नहीं मानते और ना ही उन्हें फिल्म के बिजनेस से फर्क पड़ता है। वह जनता से कनेक्ट करने में विश्वास रखते हैं और ऐसी फिल्में जो जनता को कनेक्ट करती है, मुझे करने में अच्छा लगता है। आपको बता दें, सोनू सूद आखिरी बार साउथ फिल्म आचार्य में नजर आए थे। उनकी अगली फिल्म बॉलीवुड फिल्म है, वह अक्षय कुमार की पृथ्वीराज में नजर आने वाले हैं, जो अगले महीने 3 जून को रिलीज की जाएगी।